Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sarvapratham, Asmadiya Paramaradha Tama Guru Pad Padma Me, Asankh Koti Dandavat Pranati Nivedan. Upasthit Pujaniya Vaishnavrinda, Samasta Sajjan Mandali, Matrivinda, Sabhi ko mera pranam nivedan. Aaj Bhagavat katha ka ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की अतीव मधु मनोहारिणी लीलाएं दिव्य लीलाओं के द्वारा भक्तों के चित्त मन को हरण कर लेते हैं, प्रेम को आकर्षित करते, उस प्रेम का आस्वादन करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, पौगंड लीला तथा किशोर लीला है। किशोर लीला में भी ब्रजगोपियों को राधा जी के भाव में विभूषित कराकर उनके प्रेम को स्वयं आस्वादन करते हैं। इसलिए उनकी लीला को श्री रास लीला कही गई, जो सर्व लीला मुकुट मणि यह रास लीला है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की होली लीला नित्य प्रति वन के हाथ लीला, इस प्रकार क्रीड़ा कौतुक के द्वारा गोपियों के भावों का आस्वादन करते। कृष्ण की यह लीला नित्य है। एक बार कृष्ण प्रेम सरोवर में बैठे, राधा जी उनकी गोदी में बैठे। जब दोनों एक साथ बैठे हास्य परिहास व्यंग्य विनोद कर रहे, ऐसे समय में ये भौरा राधा जी के चौड़ों में आ करके मड़राने लगे। उनके चौड़ों में बैठने को इस प्रकार भौरा जब राधा जी के चौड़ों में बैठने को जाता है, कभी अपने हाथों से, कभी पैर से, कभी कपड़े से झाड़ती है कि भौरा दूर हट जाए, पर वह किसी तरह से जाता नहीं। यह देख करके दूर से मधु मंगल एक पुतली से छड़िया लेकर के भौरे को छड़िया से दूर हटाते हटाते काफी दूर हटाते, जैसे भौरा चला गया मधु मंगल लौट के आया, आकर बोले कि मधुसूदन भाग गया, चला गया। मधुसूदन का अर्थ होता है श्री कृष्ण
दूसरा मधुसूदन का अर्थ होता है भौरा। मधुमंगल ने कहा कि भौरा चला गया, परंतु शब्द लाया मधुसूदन। राधा जी ने जब ही सुना कि मधुसूदन चला गया, राधा जी विरह में अधीर हो, क्या कृष्ण मुझको छोड़कर चले? कहां बैठी है राधा जी, कहां बैठी है? कृष्ण के गोदी में बैठी है और बैठ के सोच रही है कृष्ण मुझे छोड़कर चले। विरह में अधीर होकर रोती है, रोते रोते वह स्थिति बेहोश हो गई, मूर्छा हो गई। कृष्ण पकड़े हुए, उनको ये पता नहीं कि मैं उनके गोदी में बैठी थी, फिर भी उनको कोई शरीर का सुध बुध नहीं और मन का भी कोई खबर नहीं। देह राज्य, मन का राज्य सब पार करके चली गई, कहां भाव राज्य। राधा जी भाव में डूबी थी, भाव से देख रही है कृष्ण हमें छोड़कर चले, विरह में अधीर होकर हो गई, मूर्छा भी हो गई। कृष्ण देखने लगे मेरे साथ होते हुए, जब राधा जी को यह अनुभव कि मैं दूर चला गया, इस कारण विरह में रो रही है अधीर, जब मैं कहीं दूर जाऊं तो मेरे तो वो समझेगी कि मैं उसके साथ हूं, और ऐसा समझकर कभी आनंद में खोई नहीं। राधा जी का वो विरह विप्रलंब भाव इतना बढ़ता चला गया कि मिलन में विरह की अनुभूति हो रही है। ऐसे ही विरह में फिर मिलन की अनुभूति, तब आनंद में डूबी रहे। इसी वाहने मैं कहीं दूर जाऊंगा और लीलाएं करनी है, और गोपियों के इस विरह विप्लम्ब देखना है, कितना भाव कितना प्रेम होता है। इस विरह विप्लम्ब भाव को आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने ब्रज से कहीं दूर जाने का मन बनाया। यद्यपि कृष्ण ब्रज में नित्य अवस्थित थे, फिर भी प्रेम की जो विरह अवस्था है और उसमें जो महान चमत्कार, वह देखने के लिए कृष्ण ने विचार बनाए। उधर मथुरापुरी में हंस बड़े बड़े अश्रुओं को भेजते रहे, भेजते भेजते अंत तक हार मान गए। जो कोई जाता है कोई लौट के आता नहीं, और किसी से कोई कुशल समाचार नहीं मिला, जो गए वहीं रह गए। इसलिए कंस ने देखा कृष्ण बलराम को कैसे भी मथुरा में बुलाया जाए, यहां अपने दुर्ग में अपने घेरे में
सभी पराक्रम के साथ कृष्ण बलराम को मार डाले। यही कंस का अभिप्राय रहा। तब उन्होंने चाचा अक्रूर को बुलाया कि अक्रूर देखो, बहुत समय तक हमारा सारा प्रयास व्यर्थ, अब हम यहाँ पर शिव मेला के उपलक्ष्य में एक धनुष यज्ञ के आयोजन करते और कुश्ती दंगल आदि से लेकर के बड़ी बड़ी पहलवानी और बड़ा खेल कूद ये सब रखे जाएंगे, इसमें सबको आमंत्रण किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ब्रजपुरी के जो रहने वाले कृष्ण बलराम उनको भी यहाँ लाया जाए और इस मल्ल क्रीड़ा को देखेंगे। हमारे जो आयोजन है ये सब देख करके खुश हो, कैसे भी ब्रजवासियों को यहाँ लाया जाए। पूरा इस कार्य के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा और मेरे इस सोने के रथ में कृष्ण बलराम को लेके आना। अक्रूर जी ने देखा, चलो ये तो भाग्य का खेल है, कंस मरने के लिए साक्षात मृत्यु को अपने पास बुला रहा है, जो विधाता का परिणाम है उसके सामने कौन क्या कर सकता है। ठीक है, मैं जाऊंगा। एकादशी के दिन मंत्रणा हुई, द्वादशी के दिन सुबह उठ करके चल दी। जबकि अक्रूर दिन भर में नंद गांव पहुंच गए, रास्ते में जाते जाते कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा, धूल में लोट को खाते हुए बारंबार प्रणाम करते हुए उन चरण चिन्हों की वंदना की। ऐसे उद्धव जी जब नंद गांव में पहुंचे, नंद बाबा ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन पानी कराया। फिर शाम को जब कृष्ण बलराम आए, उनके भोजन आदि होने के पश्चात उनसे कहा, हमारे घर पर तुम्हारे चाचा अक्रूर जी आए और कोई विशेष बात नहीं करके, कुछ तो बोले नहीं है, फिर भी तुम लोग जाओ उनकी चरण वंदना करके आओ। कृष्ण बलराम गए, उनकी चरण वंदना की और बड़े आनंदित हुए। कुशल मंगल सभी कुछ पूछताछ होता रहा है। उस समय अक्रूर जी बोले, हे कृष्ण, हे बलराम, हे तात, मेरा एक निवेदन, मैं तो आप लोगों से ये जानकारी लेने आया, आप लोग इतने बड़े हो गए, देवकी वसुदेव जेल खाने में पड़े हुए सड़ रहे, आप उन्हें उद्धार नहीं करें और जेल में ही पड़े रहे तो बता दें तो उनको कि अंतिम विदाय कि तुम लोग शरीर छोड़ करके जाओ, कष्ट भोगने की जरूरत।
और हंस ने महाराज उग्रसेन को बंदी बनाया। कितने साधु संतों को सबको जेल में डाला, ये कष्ट अन्याय अत्याचार कब तक सहन होगा और कैसे सहन किया जाए, वही मैं जानकारी करने आया। आप बोले तो वही होगा, जीव की वस्तु बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, हमारे जीते जागते जीव की वसुदेव और भक्तों को कष्ट, हम शपथ लेते हैं कल प्रातः काल हम लोग जाएंगे मथुरा, कंस का वध करके फिर हम लौटेंगे, उनको कष्ट से मुक्त कराएं, ऐसे शपथ ले लिया। और यह बातें हवा में फैलती चली गई, सबका प्राण पखेर उड़ गया। रात्रि काल में कृष्ण स्वयं राधा जी के पास में पहुंचे कि हे राधे, कल सुबह मुझे कुछ दूर मथुरा जाना होगा। राधा जी बोली, यदि तुम्हें मथुरा जाना ही है, पहले मैं जानती तो आती नहीं। तो बोले कि देखो, मुझे जाना अनिवार्य है, नहीं तो सभी लोग मारे जाए। कृष्ण बोले, राधे मैं ये जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, तुम्हारा विरह बिल्कुल अम्मोमय नहीं, इसे देखने के लिए मुझे दूर जाना है। और उसके साथ भक्तों की रक्षा भी करनी है। कृष्ण बोले, अच्छा जो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा पर मैं तो कभी बाधा नहीं डालता, न बाधा दे सकती, जैसे तुम चाहते हो। उस समय कृष्ण ने कहा, राधे एक वचन, तुम मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं डालेगी। राधा ने कहा, नहीं मैं कोई बाधा नहीं दूंगी, तुम्हारे रास्ते में कोई अड़चन नहीं पड़ती। तब कृष्ण ने कहा, राधे तुम मुझे वचन दो, तुम रोएगी नहीं, राधा जी ने कहा, क्या आंसू को ताला लगाया जाता है, लॉक में रखा जाता है? यह तो कभी संभव नहीं होगा, फिर भी मैं बचत देती हूं, जो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे
तुम्हारे सुख में सुखी, तुम्हारे दुख में दुखी। मुझे कभी अपना सुख नहीं चाहिए, कृष्ण ने रात्रि काल में राधा जी से वचन लिया। दूसरे दिन प्रातः काल सब तैयार किए, माता जी सुधा कैसे भी नहीं मानती। नंद बाबा ने कहकर बहुत समझाया, मैं स्वयं जा रहा हूं कृष्ण को लेकर के, जो राज टैक्स देना होता है ये सारा काम धाम करके मेला देख करके हम लौट के आ जाए। कृष्ण को बोला आपको साथ में क्या है, कोई वचन दिया। यशोदा मैया ने कुछ हद तक मान लिया, शुभ भोजन प्रसाद बनाकर कृष्ण बलराम आदि को खिलाया पिलाया, फिर तैयार होकर के मां से विदाई लिया। प्रणाम करके मां से लिपटते हुए उन्हें आश्वासन देते जाकर रथ में बैठे। जब कृष्ण बलराम दोनों रथ में बैठे और क्रूर रथ चलाने के लिए बैठ गए शास्त्री के रूप में, गोपियां चारों ओर से घेर विरह में अधीर होकर पड़ी रो रही। कोई रथ के पहिया पकड़ लिया, कोई घोड़े को पकड़ा, कोई कुछ कोई। उस समय गोपियां विरह में अधीर हो गए, कहती है अहो विधातस तवन कचित दया संयुज्य मैत्रा प्रणयी नमे। अहो विधाता, तुम्हारी कुछ भी दया नहीं है, मैत्री भाव से हमें जोड़ा। आज तुम जोड़ करके ही तोड़ दिया, तो ये तुम्हारा क्या विचार? ये बालक की जैसी तुम्हारी चेष्टा है, तुमने हम सबको तोड़ दिया। बालक जैसे मिट्टी के घर बनाकर पैरों से उसे तोड़ता, वैसे ही तुमने हमें जोड़ा और जोड़ करके हमें तोड़ दिया। आज मथुरापुरी में चंद्रमा उदय होगा, यहां ब्रजपुरी अमावस्या की रात्रि में चिर अंधेरे में डूब गई। तो ये सब कहती हूं, अधीर हो करके विफल होकर होती है। कृष्ण उस समय उतर करके गोपियों को सांत्वना दे रही, हे गोपियों आज मैं जा रहा, कल कंस को मारकर परसों अवश्य लौट कर आऊंगा।
आयासी दोप्त गई, बार बार शपथ देते हुए गोपियों को मनाने लगे, परंतु कृष्ण क्या लौटेंगे? गोपियां मान सकती है कदापि नहीं। इस प्रकार अक्रू ने रथ को घुमाया फिराया, मन के अंदर से खुद जाने गोपिया कुछ दूर जाती हुई, जब कृष्ण का रथ अदृश्य हो गया, धूल उड़ना भी बंद हो गया, तब कृष्ण के बिना भी अधीर हो गए, वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। समस्त गोपियां राधा जी बिना में अधीर होकर आज भी जो उद्धव क्यारी उसी मन में पड़ी है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दीर्घ तीन महीना बीता। तीन महीने तक गोपियां वन के अंदर पड़ी रही, न तो कोई स्नान संध्या, न भोजन पानी, कुछ भी। उदाहरण, अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा, जब मथुरा पहुंचे, नंद बाबा ने वहां जाकर के एक निवास स्थान में रहे, रहते हुए कृष्ण बलराम आदि को भोजन कराया। शाम को भी सब के सब निकल पड़े तो मथुरापुरी दर्शन करने के लिए। जब रास्ते में जाने लगे तो ये धोबी को देखा, राजपुरसा ले जाते, बोले कि हमें कुछ कपड़े दो ना, हम लोग भी पहने। बोले, राजा के कपड़े तुम लोग पहनोगे? बड़ी बुरी तरह से गालियां। उस समय कृष्ण ने ऐसे हाथ से मारा कि गला कट गया, धोबी को मार करके उनके कपड़े सब छीन लिए, लेके जाने लगे। एक दर्जी मिल गए कपड़े सिलने वाले, हमारे कपड़ों को सिला दोगे? बोले, जरूर, काटिंग फिटिंग करके हमें पहनो। तो कृष्ण बलराम को साथ ही साथ काट पीट करके कपड़ों को सजा करके उनको दे दिया। बड़े सुंदर वेशभूषा में जाने लगे। एक मालाकार मिला, उनसे फूल माला पहने। फिर रास्ते में जाते जाते एक सुंदरी मिली, जिसे देख करके कृष्ण कहने लगे, हे सुंदरी, हमें भी थोड़ा हल्का बना दो ना, हमें सजा दो। तो बोली, अरे सभी लोग देख करके मजाक करते, हंसी दिलक्की करते, इसलिए हम आड़े छिपे सावधानी से चलते हैं।
और तुम लोग भी मजाक कर रहे हो। जस ने कहा, नहीं सुंदरी, नहीं देवी, हम मजाक नहीं कर रहे, तुम पहचान नहीं पा रही। देखो मेजे, देखा, पूर्व जन्म की याद आई। वो कौन थी? शूर्पणखा। श्री राम के रूप देख करके मोहित हो गई। तो वही शूर्पणखा जो लक्ष्मण ने नाचन काट करके उनको विरूप कर दिया था, जैसे कि जब भगवान को तुमने मन समर्पण किया फिर आप दूसरी जगह, वही शूर्पणखा जबकि आज कुब्जा बन कर गया, कुबड़ी बन कर गया, बड़ी सुंदरी है, कुबड़ी होने के कारण विवाह नहीं हुआ था। तब कुब्जा ने कृष्ण को अंगराग कर दिया, कृष्ण बलराम को अंगराग करके सजाया। तब उन्होंने खोड़ी पर हाथ रख करके पीठ पर जो कुबड़ी था उसको ऐसे मार दिया था, एकदम सीधी हो गई और एकदम सोड़ोसी युवती अपूर्व सुंदरी बन गई। तब कुबिया ने कृष्ण का हाथ पकड़ करके खींचने लगा कि आप घर पर चले, वहीं आप रहे, वो आपका घर है। कितनी कितनी बातें की। कृष्ण ने कहा, इस समय पहले हम कंस को मारे, उसके पश्चात फिर आएंगे तुम्हारे घर। इतना कह करके गए। शाम को जबकि धनुष यज्ञ हो रहा था, 400 जन व्यक्ति उठा करके उस धनुष को रखते थे, उसकी पूजा हो रही थी, यज्ञ चल रहा। कृष्ण बलराम बोले, इस धनुष को कोई उठाने वाला है? उठाता है कोई? बोले हाँ हाँ, तुम लोग देखना चाहते हो, देखो। बोले ये क्या फफोला है, इसमें कुछ दम नहीं है, भारी नहीं है, इतने इतने बड़ी बातें करते रहे। जब लोगों ने कहा, सेनाओं ने कहा, एक बार उठा करके देख ले। बोले अच्छा देख। इतने में कृष्ण ने क्या किया, तो उसको उठा लिया, सब लोग देखते रह गए। और ताकते ही ताकते उन्होंने ऐसे ही खींच जाके धनुष दो खंड में टूट गया, धनुष भंग हो गया। सब सेनाएं गिर पड़े, मार मार करके उठे, कृष्ण बलराम नहीं और सबको मार दिया। हंस नहीं कहा कि अभी आज रात को कुछ नहीं करना, जो कुछ होगा कल होगा। ऐसे करके दूसरे दिन जब रास्ते में कृष्ण बलराम जाने लगे, जितने भी जनता है सभी लोग रास्ते में उतर आए, फूलों की वर्षा करने, उन्नावत प्रजभुवो यदयम मेले गूढ़ पुराण पुरुष पुनचित्र मान गा पालयन सहवल कणयंश बेरु विक्रयांत्यते गिरीत्र रमार चितांग। अहो ब्रजभूमि के जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पंछी हैं, वे सबके सब महाधन्य हैं, बड़े पुण्यवान। यहां पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतारी स्वयं अवतरित और बाल्यकाल से वहां पर खेल कूद करते, नाचते, गायों को लेकर के वनवन में टोल रहे। यहां पर लक्ष्मी जी दिवादी देवी महादेव चरण की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे पर ब्रह्म श्री कृष्ण वहां लीला विनोद करते हैं।
तो ब्रजवासियों को कितना आनंद, कितनी खुशहाली। यादोहनी वहननी मथुन प्रलेप प्रिंच इच्छनार भुरुदितो क्षण मार्जना। ओ गोपियां गाय का दूध खाती, दधी जमाती और दही मंथन करती है, मक्खन निकालती है, भोजन बनाती है, कपड़े धोती है, घर का सारा काम करती, कोई भी काम उनसे छूटता नहीं। परंतु उन सभी कामों के बीच में गोपियां कृष्ण में तन्मय सुदबुद्ध खो बैठी आविष्ट है। इसलिए कृष्ण में सुदबुद्ध खो करके गोपियां गोविंद दामोदर माधवी ये सब जान जाती है। धंडा ब्रज स्त्रियो पुरुक्रम चित्त जान, ब्रज की स्त्रियां अतिशय धन्य है जिन्होंने, जिन लोगों ने कृष्ण में मन प्राण हृदय सर्वस्व दे दिया। गोपियों के हृदय में कृष्ण है और कृष्ण के हृदय में गोपियां हैं। इस प्रकार जो कि ब्रज गोपियां कितने धन्य है, सौभाग्य होते ऐसे ऐसे फूलों की वर्षा करते ब्रज की प्रशंसा करते। दूसरे दिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते कृष्ण बलराम प्रातः काल स्नान आदि करने के पश्चात कुछ भोजन कर लिया। भोजन करके नंद बाबा ब्रजवासीगण कैश देने के लिए वहां उधर चले गए। इधर कृष्ण बलराम दोनों सखाओं को साथ में लेकर मथुरापुरी में प्रवेश कर दिया। होली दरवाजे पर आए तो कुबला पीड़ हाथी रास्ता घेर करके खड़ा है, हाथी को लगा रखा है। कृष्ण बलराम के आते ही उनको पेश डाले, उनको शराब पिला करके मदमस्त बना दिया। जैसे ही हाथी रोकने को प्रयास किया तो कृष्ण बलराम दोनों बहुत बड़ी हाथी है, एक पीठ के अंदर से नीचे से हो करके पूंछ को पकड़ लिया, हाथी को खींचने लगे। फिर कृष्ण ने क्या किया, सूंड के तरफ पकड़ लिया, पकड़ करके दोनों दांतों को तोड़ लिया, दांत तोड़ करके उसी दांत से हाथी को मारने लगे, धुलाई कर दी। इससे वो हाथी गिर पड़ा, उबला पेड़ हाथी चला गया। दोनों दांत ले करके मल्ल कीड़ा स्थल में आए, मल्ल वेश में। उस समय महाराज कंस ने कहा, हे कृष्ण हे बलराम, तुम बड़े पहलवान हो, बड़ी तुम्हारी वीरता है और बड़ी ख्याति है, आज इस मल्ल कीड़ा में पहलवानी दिखाओ, हम तुम्हारी वीरता के लिए प्रशंसा करते हैं, हम अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं कितने बड़े वीर हो। तो यही सब असल में छल चातुरी योगी चाणुर्मुष्टिक के द्वारा कृष्ण बलराम को मार डालेंगे। उस समय हाथ पकड़ करके खींच लिया, कुश्ती दंगल शुरू हुआ। जितने भी लोग हैं सभी हाहाकार मचाने लगे, बोले बड़े बड़े पहलवान और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे। परंतु मल्लाराम असने नृणाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। यहां बड़े बड़े पहलवान मल्ल लोगों ने देखा कि अरे ये तो साक्षात वज्र आ चुका है, हमें मार डालेंगे।
मृत्युर भोजपते भोजपति कंस देखता है कि साक्षात मृत्यु आ चुकी है, जम आ गया। और स्त्रियां देखती हैं साक्षात मंदर को काम दे, और सामान्य प्रजाजन देखते हैं ये नरवर यही तो राजा है। इस प्रकार सभी लोग अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण को देखने लगे। थोड़ी देर में खेल कूद होते हुए कुश्ती दंगल में चारुर मुष्टि जैसे ही कृष्ण बलराम के प्रति छल चातुरी करने लगे, इतने में कृष्ण बलराम ने दोनों नहीं दोनों को मारा मुष्टि का था। ऐसे मुष्टि माने प्रहार किया, ऐसे मार मारा कि एकदम खून की उल्टी करते हुए चारों मुष्टि दोनों गिर पड़े। फिर दूसरे पहलवान आए सौ दो साल, उनको भी ऐसे ही पछाड़ मरा, क्षण भर में चुटकी मैंने चुटकी बजा दिया था, सबको समाप्त कर। जब बड़े बड़े पहलवान मारे गए, कौन से बोलता है अरे इन दुष्ट बालकों को पकड़ो, बंदी करो, जेल में डालो, तो ऐसे ऐसे बात करने लगे। तब कृष्ण बोले अच्छा, मंच पर बैठ करके पढ़ाई तुम आदेश कर रहे हो, तुम नहीं मेरी माँ की बालों की मुट्ठी पकड़ी थी, बालों को पकड़ा ठीक है। ऐसे में ही एकदम कूद करके मंच पर पहुंचे, जाकर के पकड़ लिया, उनके बालों को पकड़ लिया, इधर भागता है उधर कहां जाएगा, एक झटका मार करके गिरा दिया। जैसे ही गिरे कृष्ण उनके छाती पर चढ़े। विश्वंभर प्रभु विश्व का सारा वजन लेकर के जब कंस के छाती पर चढ़ गया तो कंस का प्राण अपने आप उड़ गया, कुछ नहीं कर सके, खत्म। जैसे कंस गिर गया उनके जितने भी अनुचर सेनाएं सबको मार गिराया। इसके पश्चात कृष्ण बलराम कारागार में गए, देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया, पहचान तो नहीं बता, महाराज उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त किया। कहने के पश्चात महाराज उग्रसेन के मस्तक पर राज मुकुट रख दिया। इधर कंस तो मारा गया, प्रजाओं को किसी को भी विश्वास नहीं, वो पड़ा हुआ है बेहोश, थोड़ी देर में वो खड़ा हो जाएगा और सबको मार डालेगा। इसलिए सभी लोग डर के मारे घरों में छिपे हुए, कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं, परंतु झरोके से आड़ से देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। चारों ओर रेड अलर्ट और बड़ी भयावह स्थिति, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। परंतु कृष्ण बलराम आए, अरे भाई मामा तो मर गया है, शरीर छूट गया, मामा का तो कैसे भी दाह संस्कार करना पड़ेगा, पर कोई भी नहीं आते हैं, डर के मारे सभी घबराए हुए, हंस अभी बेहोश पड़ा है और जग उठेगा तो सबको मार डालेगा, इसलिए कोई डर के मारे आ नहीं रहे। तब कृष्ण बलराम ने उनके हाथ पकड़ करके खींच करके ले गए, कोई उठा नहीं रहा था करें क्या, इतने भारी है कैसे ले जाए, तो खींचते हुए ले गए। आज भी मथुरा में वो कंस का नाला बना हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ गया कंस खान। ध्रुव घाट में ले जाकर के वहां पर अग्नि प्रज्वलित किया, दाह संस्कार हुआ। जब कंस को दाह संस्कार कर दिया, जला दिया, तब मथुरा की जनता उमड़ पड़े, सब दौड़ करके आए, कृष्ण बलराम के पीछे पीछे चलने लगे।
कृष्ण बलराम दोनों विश्राम घाट में आए, वहीं पर स्नान किया, फिर कुछ देर बैठे। देवकी वसुदेव कृष्ण बलराम को ले करके चले, अपने घर में ले गए। भीड़ रोकते हुए दरवाजा बंद कर दिया कि कृष्ण बलराम बाहर न जा सके। काफी देर रात हो गई तो भी बाहर निकलने का कोई रास्ता, बड़े मुश्किल से कृष्ण बलराम दोनों निकल करके नंद बाबा के पास में आए। बोले कि पिताश्री, देवकी मुझसे हमें रोक रखा है, छोड़ नहीं रहे हैं, बड़े मुश्किल से आया। उस समय नंद बाबा बलराम से बोले, बलराम देवकी मुझसे बहुत समय तक कारागार में रहे, बड़े दुखी, सभी बच्चों को मार डाला, अभी तुम्हें कुछ समय उनके पास रहना, नहीं तो बेचारे और भी ज्यादा दुखी होंगे। बलराम जी बोले, मैं मान नहीं सकता, आप ही मेरे पिता हैं, आपको जन्म से हमने देखा, आपके गोदी में ही लाड़ प्यार पाया, मैं तुमसे को पिता नहीं कह सकता, नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी बातें कृष्ण ने बड़े मुश्किल से नंद बाबा को गाड़ी में बैठा करके उन्हें ब्रज भूमि में भेजा। तो नंद बाबा जबकि सामने के दरवाजे से न जाकर के पिछवाड़े से पीछे के दरवाजे से अंदर महल में गए, जब ब्रजवासियों ने देखा कि नंद महाराज अकेले आए, कृष्ण बलराम लौटे नहीं, यह देख करके सबका खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, कोई भी ब्रज के घरों में भोजन नहीं बनता, कोई अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, न भोजन बनता, न कुछ, सभी हो रहे। तो एक तरह ब्रज की यह स्थिति, दूसरी ओर महाराज उग्रसेन को राज सिंहासन में बैठा। इधर देवकी वसुदेव ने बहुत जल्दी से जल्दी गर्गाचार्य को बुला करके कृष्ण का उपनयन संस्कार किया, कृष्ण बलराम का उपनयन हुआ, परंतु ब्रजवासियों को उन लोगों ने कोई निमंत्रण नहीं दिया, भनक लगने थी। गर्गाचार्य ने कहा, हे कृष्ण, तुम पहले अपनी मां से भिक्षा ग्रहण करो, फिर और माताओं से भिक्षा, ऐसे सबसे कुछ भिक्षा लेकर के उपनयन। जब कृष्ण के हाथ में कमंडलू दे दिया, भिक्षा की झोली दे दी, खड़े हैं, दंड भी हाथ में है, तो मां कहां है, चारों ओर देख रहे, मां तो यहां आई नहीं, कोई ब्रजवासियों को बुलाया नहीं। देवकी वसुदेव ने इतना निर्दय निष्ठुर काम, उनको पता लगने नहीं दिया। कृष्ण सोच रहे, मां ने कहा, जब तुम्हारा उपनयन होगा मैं झोली भर करके भिक्षा दूंगी, आज मां कहां है। उस समय कृष्ण मां मां करके रोते हुए धराम से गिरे, बेहोश होकर के गिर पड़े। जैसे कृष्ण बेहोश होकर के गिर गए, बड़ी जल्दी से, बड़ी मुश्किल से कृष्ण को बलराम को उठा करके ले गए, मूर्छा छुड़ाया और गर्गाचार्य को दान दक्षिणा जो कुछ देना है दे करके उन्हें विदा किया। देवकी वसुदेव ने देखा
कृष्ण बलराम अभी ब्रज का स्मरण कर रहे हैं, याद याद में डूबे हुए हैं, भूल नहीं पा रहे, इन्हें कहीं दूर भेजना। तब उनको विद्या अध्ययन के बहाने अक्रू के द्वारा उज्जैन भेजा कि कृष्ण बलराम दोनों उज्जैन भेजा, गुरु शांतिपनी के वहां कुछ दिन अध्ययन करके आ जाए। इसलिए अक्रू को रथ दे करके उनके रथ में कृष्ण बलराम को भेजा। गुरु शांतिपनी के वहां रहने लगे। 64 दिन में कृष्ण बलराम ने वेद वेदांत उपनिषद पुराण इतिहास और 64 दिन में 64 कला विद्याएं सभी कुछ सीख लिया। उनकी विद्या पूरी हो गई। फिर गुरु दक्षिणा के रूप में शांतिपनी ने कहा, मैं नहीं जानता, तुम गुरु मां के पास में जाए, जो कुछ चाहे दे दे। गुरु मां के पास में गए, मां तुम बोलो क्या दक्षिणा चाहिए। तो मां रोती हुई बोली, मैं समुद्र में स्नान करने गई थी, एक बालक था मेरा और समुद्र में डूब गया, वहां से उठ करके आए, तब से मैं पुत्र हरा, तुम लोगों को पा करके मैं खुश हो गई थी, अब यदि तुम लोग चले जाओ तो हम कैसे थे। रोने लगे। कृष्ण बोले, ठीक है, मैं आपके पुत्र को लौटा कर चलाता। तब वे गए समुद्र में, परंतु वो पांच जन्म असुर उसे देख कर उसको मारा, पांच जन्म शंख लिया, गुरु पुत्र मिले नहीं। फिर गए जमलोक, जमलोक में जाकर बोलेंगे, महाराज जल्दी से जल्दी गुरु पुत्र लाओ, ला करके दिया, तो उसे लेकर के चले। तब गुरु जी को समर्पण किया, दे करके कृष्ण बलराम मथुरा में आए। जब मथुरा में रहने लगे, एक दिन यमुना जी को देख करके उनको बड़ी विकलता आई, बहुत रोई। उद्धव को देख करके कृष्ण ने उद्धव को भेजा, गच्छोद्धव ब्रजम सोम पितृणाम प्रतिमां, हे उद्धव हे सोम, तुम ब्रज में जाओ, पिता माता को शांत करो और मेरे संदेश वचन के द्वारा गोपियों को कैसे भी समझाओ, संदेश वचन दिया हो, वे कैसे भी बड़े कष्ट से प्राण धारण कर रहे हैं, केवल मैं आऊंगा इसी वचन पर, बड़े कष्ट से प्राण धारण कर रहे हैं। ऐसे कह करके कृष्ण ने उद्धव को जिस रथ में आए थे उसी रथ में सजा करके उनको भेजा। जब उद्धव ब्रज में थे, नंद बाबा के पास में थे, प्रणाम किया, नंद बाबा उन्हें गले लगाते हुए बहुत रोए। ब्रजवासी किसी से कहा कि जाओ थोड़ा सा कुछ प्रसाद बना करके खिलाओ। पहले दिन 3 महीने बाद में ब्रजवासी कोई ने अपने घर में भोजन बना करके लाया, उनको खिलाया। ब्रज की क्या स्थिति, तुमसे रहिली मधुपुर ब्रज कुल कुल दुकुल कल कानू कानू करी झो
यशोमति नंद अंद सम बैठई सासिना उठई पाई। हे श्याम सुंदर, तुम तो मधुपुरी में रह गया। तो तुम तो मधुपुरी में रह गया और ब्रजकुल आकुल दुकुल फल ये भी भूल जाएंगे। आपका है, उन्होंने कहा है कहीं रखा, किसी के पास है, देंगे बुलाए। तो ब्रजकुल आकुल दुकुल फल रघो कानो कानो करी झोर। ब्रज के सभी बड़ी व्याकुल और रो रहे हैं। नंद बाबा जसोदा माँ रोते रोते हमती हो गए। गायें घास नहीं खाती, बछड़े दूध नहीं पीते, सखा लोग सब बिखर गए। यहाँ तक कि भौरा फूलों में बैठकर मधुपान नहीं करता, पंछी पूजन नहीं करते, सभी विरह में बैठो। राधा जी गोपियां अधीर, राधा जी को फूलों के सेज में जमीन पर सुला दिया। फूलों के साथ उनका शरीर एक बराबर हो, श्वास लेती है या नहीं, प्राण है या नहीं, कुछ पता ही नहीं चल। ऐसी स्थिति में जब उद्धव ने कुछ भोजन किया, अब नंद बाबा कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ बोल नहीं। उस समय नंद बाबा कृष्ण से बोले के उद्धव से बोले कि हमारा कृष्ण बलराम दोनों कैसे, देवकी वसुदेव के सब लोग कुशल से तो है, कृष्ण बलराम के पूछते ही बड़े व्याकुल होकर रोते। उद्धव को कुछ समझ में नहीं आया कैसे उपदेश दें, कैसे सांत्वना दें। बड़े मुश्किल से उद्धव ने नंद बाबा से कहा, पिताजी कृष्ण तो परमेश्वर परमात्मा है, वे भगवान आप आपके हृदय में अंतर जाए, वे आपसे कहीं दूर नहीं, अतः ये आप दुखी नहीं, आपसे बिछुड़े नहीं, दूर नहीं आपके पास। ऐसे ऐसे कहने पर नंद बाबा आंखों की आंसू सुखा ले, बोले कि उद्धव मैंने सोचा था तुम बुद्धिमान हो, बड़े चतुर हो, कृष्ण के संगी हो, तुम्हारे भी अंदर कुछ बुद्धि मेरे जैसे, अभागे को तुम सौभाग्य साथ कह रहे हो। मैं कोई पिता नहीं बन सका, पिता तो एकमात्र महाराज दशरथ, जिन्होंने एक बार हा राम कहा तो उनका प्राण बाकी उड़ गए, मेरा प्राण अभी निकले, इस शरीर में जीरा। ऐसे कहकर नंद बाबा बड़े फिकल को खोते थे, बोले कि उद्धव तुम कहते हो मैं सौभाग्यशाली,
आज मेरा बालक चला गया दूर, मैं उसे खो बैठा और मुझे शोभा के सारी कह दू कैसे शोभा। कृष्ण ने हम सबको विपत्तियों से बचाया, ब्रज में बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, उस समय हर घड़ी हर पल कृष्ण ने बचाया हम सबकी रक्षा। कभी हमने उनसे भगवान नहीं माना, गर्गाचार्य ने कहा था नारायण सम गुणे, गुणों में नारायण के वही हुआ कि कृष्ण में नारायण का प्रवेश हुआ। और समय समय पर जो विपत्ति आई उसमें वे हमें बचाते रहे, परंतु आज इस विपत्ति में कौन बचाए। आज घर का एक एक ईंट एक एक पत्थर जवाब देता है, कृष्ण का स्मरण दिला देता है। ब्रज का ऐसा कोई स्थान, ऐसे कोई पेड़ पौधे, कोई ऐसा पहाड़ पर्वत नहीं जहां कृष्ण गए नहीं और खेलकूद नहीं किया, सभी कुछ। कृष्ण का स्मरण दिला क्षण भर के लिए मैं भूल नहीं पाता। ऐसे करते हुए नंद बाबा कृष्ण की बातों के सारी रात बिता दी। दूसरे दिन उद्धव नंद बाबा यशोदा माँ को प्रणाम करके बाहर निकले, कृष्ण कुंड में जाके स्नान, कुछ गायत्री मंत्र आदि जप करने के पश्चात सोचने लगा कृष्ण की प्राण प्रिया जो गोपियां हैं, कृष्ण ने जिनके लिए कहा है वो कहां पर है, उनका भी पहले दर्शन कर रथ लेकर के चले। मन के अंदर प्रवेश उस समय कुछ गोपियों ने देखा सोने का रथ आया, ये कौन है, कृष्ण का संदेश या और कोई है। तब गोपियां कुछ गोपियां निकट में आई, कृष्ण का संदेश वाहक उद्धव को देख करके बोले कि हे उद्धव तुम यहां पर कैसे आ गया, क्या रास्ता भूल गया, तुम सीधा राजमार्ग में जाकर के नंद महाराज के पास जाओ, देखो यहां तो कोई है नहीं, वहां जाओ, रास्ता तुम भूल गए, यहां कोई नहीं है, हम लोगों से उनका कोई संबंध नहीं रहा। उन्होंने सारा संबंध तोड़ दिया है, धन्य है उनको से धन्यवाद,
योगी सन्यासियों के गुरु हैं। बड़े बड़े साधु सन्यासी भी अपने पत्नी और बच्चों को कभी भूल नहीं सकते, चाहे कितने बड़े सन्यासी हो जाए। पंतु कृष्ण को धन्यवाद है, वो सारा संबंध तोड़ करके चले गए। हमारा उनसे अब कोई दोस्ती तो रहा नहीं। ऐसे कहती हुई गोपियां कहने लगी, हे उद्धव, संसार में प्रेम होता है, एक सोपाधिक प्रेम, दूसरा निरुपाधिक प्रेम। जिस प्रेम में कोई उपाधि नहीं, कोई हेतु नहीं, कोई चाह नहीं, और एक सोपाधिक प्रेम होता है जिसमें अपना अपना मतलब बना रहता है। देखो, एक पुरुष एक स्त्री को तब तक प्यार करता है जब तक उसका सौंदर्य रहता है, रूप यौवन बना रहता है। किसी प्रकार से बीमार पड़ जाए, विरूप हो जाए, कोई घटना घटे, तब उस समय उसके प्रति प्रेम नहीं देता है। ऐसे ही एक बार वनिता पुरुष को तब तक सेवा करती है जब तक उससे दान दौलत रुपये पैसे मिलता है। तो इस तरह से एक दूसरों में प्रेम बनता है। तो अपने अपने मतलब के कारण वन में हिरणे तब तक है जब तक जंगल में आग नहीं लगी। एक बार आग लगता है तो लौट करके कभी नहीं आएगा। छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, जब तक उसकी विद्या पूरी नहीं होती है तब तक गुरु से संबंध रहता है। विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाए फिर और कोई संबंध नहीं। एक भिक्षु घर में तब तक जब तक उसको भिक्षा नहीं मिलता, भिक्षा मिलते ही खड़ा नहीं होगा, दौड़ के चला जाए। संसार का प्रेम। परंतु गोपियां कहती हैं, उद्धव, हमने कृष्ण से कभी कुछ मंगाता नहीं। बचपन से ही कृष्ण से हम लोग जुड़ी थे, न कपड़ा मांगा, न खाने पीने को, न घर संसार, कुछ भी नहीं मांगा। जितना बने उनकी सेवा की। परंतु हमने कौन सा ऐसा दोष किया, हमारे अंदर कौन सी कमी हुई, Thank you.
जो कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। उस समय गोपियां कृष्ण की कोई सूर पर बाल लीलाओं का स्मरण कर रोती हुई कहने लगी, जाने लगी।